आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ यामा FZS वर्जन 3 की हेडलाइट की रोशनी को, क्योंकि इसमें LED लाइट है और यहाँ पर मेरे पास है वर्जन 2 जिसमें LED लाइट नहीं है। तो इन दोनों बाइकों की हेडलाइट को मैं एक साथ टेस्ट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी हेडलाइट की रोशनी वर्जन 3 की कैसी है, क्योंकि बहुत से लोग इसके हेडलाइट को लेकर सवाल उठाते हैं कि इसमें LED लाइट लगी है तो इसमें रोशनी कम होगी। और आप इसके मॉडल को देख सकते हैं कितना खतरनाक रात में दिख रही है। और ये बाइक बिल्कुल नई है, अभी ये शोरूम से ही आ रही है और घर पर नहीं पहुंची है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना चली हुई है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये बाइक 7.6 किलोमीटर ये बता रही है, मतलब ये 7 किलोमीटर 600 मीटर चली हुई है और ये बाइक अभी घर पे नहीं गई, इसलिए मैं इसका टेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी रोशनी कैसी है। और आप देख सकते हैं ये वर्जन 3 है जिस कलर का मैंने रिव्यू किया हुआ था, ये बिल्कुल नई बाइक है। और अब मैं इसको गली में खड़ी करके पहले अंधेरे में दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी रोड पर दिखा देता हूँ कि रोड पर कैसी लाइट है इस बाइक की। और ये वर्जन 2 है और ये वर्जन 3 है। तो अब मैं गली में पहले टेस्ट करवाता हूँ। तो अब गली में बाइकें खड़ी हैं और दोनों ही साइड स्टैंड पे नहीं डबल स्टैंड पे खड़ी हैं, आप देख सकते हैं ये डबल स्टैंड पे दोनों बाइक खड़ी हैं। और अब मैं सबसे पहले इसकी हेडलाइट को ऑन कर देता हूँ वर्जन 3 को, तो आप देख सकते हैं इसकी रोशनी कुछ इस प्रकार से है। और हाई बीम और लो बीम कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से इसकी रोशनी है। और अब मैं इसको बंद करके और वर्जन 2 को दिखाता हूँ। ये वर्जन 2 है, ये वर्जन 2 की लाइट है और ये वर्जन 3 की लाइट है। तो आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा रोशनी वर्जन 3 में दिख रही है, क्योंकि उसकी बिल्कुल व्हाइट लाइट है इसलिए देखने में दिखाई ज़्यादा उसमें पड़ रहा है। और मैं दोनों को एक बार बंद कर देता हूँ, ये वर्जन 3 की है, फिर से ऑन करो, ये ऑन हो गई। और यहाँ पर ये इसकी कुछ पीली करके, क्योंकि इसमें हैलोजन बल्ब लगा हुआ है। और यहाँ से मैं इसका फोकस चेक करवा देता हूँ लाइट ऑन करके, ये आप देख सकते हैं कितनी दूर तक इसकी लाइट जा रही है। और अब मैं इसको रोड पे टेस्ट करवा दे रहा हूँ। इस टाइम मेरे पास एक्शन कैमरा नहीं है, सिर्फ मोबाइल से मैं चेक करवा रहा हूँ आप लोगों को। चलो, ये आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिख रही है रोशनी इसकी। और सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। हाई बीम लो बीम करो, हाई बीम लो बीम किस प्रकार से है। और अब हम थोड़ा सा सुनसान रोड पे भी टेस्ट कर लेते हैं। हाई बीम लो बीम करो, मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो आपको LED लाइट ज़्यादा पसंद आई या कि हैलोजन लाइट ज़्यादा पसंद आई? मैंने यहाँ पर आपको दोनों बाइकों को एक साथ दिखाया, वर्जन 2 को और वर्जन 3 को, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि FZ वर्जन 3 की लाइट को चेक किया जाए। तो मैंने चेक कर लिया है, मैंने सिंगल रोड पर चलाया जिस पर कोई डिवाइडर नहीं होता है। मैंने आप लोगों को अंधेरे में दोनों बाइकें एक साथ खड़ी करके दिखाई। मेरे हिसाब से जो LED लाइट होती है वो थोड़ी सी ब्राइट होती है। अगर आप सिंगल रोड पर चल रहे हैं और आपके सामने से लाइट आ रही है तो इसका फोकस जो होता है उससे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको दूर तक देखना है तो मेरे हिसाब से हैलोजन लाइट वहां पर ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा दूर तक दिखाई पड़ती है। लेकिन अब जिन बाइकों में LED लाइट आएगी तो वहां पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। फिलहाल मेरे हिसाब से FZ वर्जन 3 की लाइट अच्छी तरीके से काम कर रही है, मुझे इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी। अब आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, आप लोगों को LED लाइट ज्यादा अच्छी लगी या कि हैलोजन लाइट ज्यादा अच्छी लगी? आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी ये कोशिश कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।